हेलो बच्चों, तो अपन अभी सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं और टॉपिक अपना जो चल रहा है बच्चों वो है गौसला। ठीक है, मैं अभी भी आपको ये बोलूंगा कि वीडियोस को लगातार देखें, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलो तो गौसला डिस्कस कर रहे थे अपन, थोड़ा रिपीट कर देते हैं। गौसला का फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, फाई फाई होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बोलता है गौसला, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्साइलन नॉट। गौसला बोलता है कि अगर किसी क्लोज्ड गौशियन सरफेस में टोटल चार्ज है तो ही आप उसे लिंक्ड फ्लक्स देखो। अगर उस क्लोज्ड गौशियन सरफेस में चार्ज नहीं है तो फिर टोटल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक जो है आज प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यूजिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, हम कूलम्स लॉ का यूज करके गाउस लॉ को प्रूफ करेंगे। और मैंने आपको ये बताया भी था कि जहां कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं वहीं हम क्या कर सकते हैं, गाउस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए तो काम करते हैं अपन। तो इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, हम मान करके चल रहे हैं कि लेट सपोज देयर इज अ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू। ओके, और इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता तो मैं सबसे सिंपल तरीका क्या करता, अगर मेरे को फ्लक्स भी कैलकुलेट करना होता तो मैं बोलता कि इस पॉइंट चार्ज को क्या करो, एनक्लोज करो। एनक्लोज करने के लिए हम कैसा भी एरिया ले सकते हैं, मैंने आपको बोला था ना, आप उस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए कैसा भी एरिया ले सकते हैं। आप उसे स्फेयर में डाल दो, आप उसे सिलेंडर में डाल दो, क्यूब में डाल दो, क्यूबॉइड में डाल दो। जो टोटल फ्लक्स होता है वो कभी भी उनकी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उनका शेप और साइज क्या है। ठीक है, लेकिन अब जैसे अगर बुक की बात कर लेता हूँ, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल कर लिया। हमने बोला कि मैं स्पेरिकल सरफेस ले रहा हूँ, और स्पेरिकल सरफेस से हमने इसको क्या कर दिया है, एनक्लोज कर दिया है। तो दैट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय अ स्पेरिकल सरफेस एंड दिस चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। ठीक, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कैपिटल आर। ठीक है, अब अगर इस पी पॉइंट की हम बात करें तो इस पी पॉइंट के लिए आप पहले तो एक सरफेस वाला एलिमेंट कट करो, है ना, एक सरफेस एलिमेंट हमने कट किया डीएस। ठीक, और फिर अगर आप देखोगे तो इससे जो फ्लक्स निकल सकता था वो इतना ही पार्ट से निकल सकता था, और छोटा सा ही फ्लक्स लिंक होगा इतने से पार्ट के लिए, तो टोटल फ्लक्स तो पूरे स्क्वायर से निकलेगा, ये बात भी ध्यान में रखें। तो हमने बोला कि डीएस एरिया कहाँ की ओर देखेगा, तो मैंने आपको ये बताया भी था कि एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड। ठीक है, और फिर इसके साथ में और क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना है। तुमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की ओर, तो पॉइंट चार्ज प्लस का था तो ऐसा होगा, सीधी लाइन जो मिलेगी ना दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए अब यहाँ पर अपन काम करते हैं। हालांकि इससे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, सो दैट डिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो हमने बोला कि ये जो पी पॉइंट हमने लिया वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकाल रहे थे आप, स्टार्टिंग में के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का फॉर्मूला आया कहाँ से था, कूलम्स लॉ ने तो बताया था। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, देखिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने लिखा ई इज इक्वल्स टू के, पॉइंट चार्ज था क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आप चाहते तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे, ई वेक्टर विल बी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप लगाते हैं, लेकिन अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप कॉम्प्लिकेट ही करेंगे ये वेक्टर फॉर्म लिख करके। तो मैं वेक्टर फॉर्म को अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप वेक्टर फॉर्म लिखें, क्योंकि अपना काम स्केलर फॉर्म से ही हो जा रहा है। चलिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द फ्लक्स लिंक्ड विद द डीएस एरिया। ठीक है, ये डीएस एरिया ही तो था।
फ्लक्स लिंक्ड विद द डीएस एरिया एलिमेंट, कितना फ्लक्स होगा? तुमने बोला डीएस तो छोटा सा पार्ट था टोटल एरिया का, तो हमने बोला कि दैट फ्लक्स विल बी डी फाई एंड डी फाई विल बी ई डॉट डी एस, ऐसा ही होगा। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए व्हाट इज थीटा, थीटा देखिए ई और डी एस के बीच में एंगल, ये तो दोनों ई की तरफ देख रहे थे तो बहुत सिंपल हो गया, थीटा इज जीरो, तो हमने लिखा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, that will be EDS, है ना? The flux linked with the DS area, DS Gaussian area is EDS, ठीक है? So the total flux linked with the closed surface, ये closed surface पूरी है ना? इससे कितना flux link होगा? तो देखिए, so total electric flux linked with closed spherical Gaussian surface कितना होगा? तो इसको इंटीग्रेट करो, तो हमने बोला कि क्लोज सरफेस था ना तो इंटीग्रेशन भी क्लोज होगा, तो डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी फाई, ओके। और इसका इंटीग्रेशन किया क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड इट विल बी ई डी एस, ओके। चलिए वैल्यू पुट में कर सकता हूँ, e, e की वैल्यू कितनी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो हमने लिखा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, डी एस आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों, क्या आ रहा है ये, दैट इज फाई एंड दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे फाई नहीं बनाया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सो फाई विल बी, समझना इस चीज को, K को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 4 pi epsilon naught लिख सकता हूँ, तो next step में लिख भी लेंगे, तो अभी तो K और Q को बाहर निकाल दिया, ठीक है। R square को भी अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो integration सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ds का होगा, that is ds, ठीक है। अब ds का अगर मैं closed integration करूँ तो total S आएगा, and S is the area of that sphere, area of that square is 4 pi capital R square, ठीक, तो हमने लिखा it will be K Q divided by capital R square, और यहाँ पर area लिख दिया हमने, that is 4 pi capital R square, R square से R square cancel, आप चाहें तो K की value रखें, K की value कितनी होती है, 1 upon 4 pi epsilon naught for vacuum, Q ऐसा का ऐसा और 4 pi भी ऐसा का ऐसा, 4 pi से 4 pi cancel, it will be Q divided by epsilon naught, गौर करो, that is Gauss law, है ना? यहाँ पे closed surface से Q charge ही तो enclosed था, तो वो आ गया, divided by क्या? epsilon naught, so हमने लिखा यहाँ पे, that is the Gauss law और hence proved, देखिए हमने क्या किया, हमने बोला, let there is a Q charge, which is enclosed by a spherical surface, spherical Gaussian surface, whose radius is capital R, so the electric field at point P due to that charge Q is KQ divided by R square. वहाँ से फिर हमने क्या किया? एक area लिया, area ds माना, ds area कहाँ की ओर देख रहा है? हमने बोला बाहर की ओर, उसी direction में कौन देख रहा है? Point charge के कारण electric field भी देख रहा है, इसका मतलब theta की value कितनी लिखी? 0 degree लिखी। फिर इसको solve किया, simple mathematics को follow किया, ये हमें पता चल जाए। बात समझ में आ गई क्या? चलिए तो अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन इसके एप्लीकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको गॉस लॉ से रिलेटेड छोटे छोटे एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ जो आपको और बेस क्लियर करेगा, अपने लास्ट टाइम भी न्यूमेरिकल किए थे, आज भी अपन न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, पास में दबुक, ओके। तो न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा की तरह उस तरह बोर्ड के पास में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके बुक का, आपको न्यूमेरिकल दिख गया होगा तो रीड आउट कर लीजिए, और मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या भाई, K
कि फ्लक्स को देखने का तरीका क्या होता है. इनकमिंग फ्लक्स शुड बी टेकन नेगेटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. इस चीज को ध्यान में रखना. और टोटल फ्लक्स क्या होता है? टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस शुड बी एल्जेब्रिक सम ऑफ द फ्लक्स. ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ओके, चलिए तो काम करते हैं आप. देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इन अ क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग, है ना, क्या बोल रहा है? एंटरिंग और लिविंग फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस आर 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो समझिए, एंटरिंग फ्लक्स, फ्लक्स इनकमिंग इनसाइड वाला कितना है? 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अगर मैं आपको बोलूं कि फ्लक्स का दूसरा ऐसा यूनिट क्या है तो क्या बताओगे? वोल्ट इनटू मीटर. क्या है? वोल्ट इनटू मीटर, वीएम इतने, ठीक है. और आउटगोइंग फ्लक्स, लीविंग फ्लक्स जिसे हम आउटगोइंग लिख सकते हैं, वो कितना बोल रहा है? 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो द टोटल फ्लक्स शुड बी क्या होगा? इसको पॉजिटिव में लिखेंगे और इसको नेगेटिव में लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखना. या आउटसाइड में से इनसाइड को घटा दो, अदरवाइज ऐसा लिख रहे हो तो फिर ये बात ध्यान रखेगा कि इसको आप नेगेटिव कर लें. तो आप इसको कुछ ऐसा बोलेंगे, 800 माइनस 400, आउटगोइंग में से इनकमिंग को सब्ट्रैक्ट करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट विल बी 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द रिजल्टेंट फ्लक्स. ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है. व्हाट वुड बी द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो अगर टोटल फ्लक्स ये है तो चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा सरफेस से? तो हमने बोला यूजिंग गॉस लॉ दैट कैन बी रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 400. सो क्यू विल बी 400 एप्सिलॉन नॉट. अब मैथमेटिक्स वाला पार्ट हमेशा से आपका ही रहा है, मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं. अब इतना तो सॉल्व शायद आप कर सकते हैं बच्चों, हो जाएगा ये. तो 400 को 8.85 से तो मल्टीप्लाई करना है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम. दैट वुड बी द आंसर. ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा. सेकंड वन के अंदर अपन एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों, आपको सामने दिख रहा होगा वो एग्जाम्पल. ये है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और वो भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है. आपको कितना दिया हुआ है? 200 i कैप प्लस 300 j कैप, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम. ठीक है, ओके. प्लेस्ड इन एन एरिया, एरिया वेक्टर भी दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, 5 × 10⁻³ जे कैप एन मीटर स्क्वायर. तो गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो हम फ्लक्स लिंक तो आसानी से निकाल सकते हैं. फ्लक्स विल बी ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर. बताया था नहीं बताया था आपको? ठीक, चलिए तो हमने काम किया. ई वेक्टर कितना बच्चों? 200 i कैप प्लस 300 j कैप डॉट क्या होगा? 5 × 10⁻³ j कैप. अब जे कैप को आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो एंगल 90 डिग्री है बच्चों, और वैसे भी जे कैप डॉट आई कैप जीरो होता है, ये ध्यान में रखो अब. तो ठीक, तो अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे. जे कैप हमेशा जे कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, आई कैप हमेशा आई कैप वाले पार्ट से, और के कैप हमेशा के कैप वाले से. तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ जे कैप है, तो जे कैप वाला ये जो मल्टीपल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जे कैप के मल्टीपल से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये क्या होगा? 300 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 × 10⁻³ से. दैट विल बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस. ये कितना हो जाएगा? 1500 × 10⁻³ फ्लक्स का कितना होता है? वोल्ट मीटर होता है. आप इसे 1.5 भी लिख सकते थे, वोल्ट मीटर. ठीक, चलिए एक और एग्जांपल करेंगे. आप छोटा ही था और अच्छा एग्जांपल है बच्चों, इस तरीके का एग्जांपल पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो अपन देख रहे हैं, दैट इज 2.3. ओके, इट इज अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. देखिए एक सर्कुलर शीट ले रहा है और उसका रेडियस कितना बोल रहा है उसने? 5 सेंटीमीटर बोला है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस आर इज 5 सेंटीमीटर.
placed in an uniform electric field of 5×10⁵ volt per meter. और उस सर्कुलर शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी? 5×10⁵ वोल्ट पर मीटर. सच दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30° विद द फील्ड. अब देखो ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है. इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 30° विद द फील्ड. अब ये थोड़ा समझो बच्चों, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, ये समझना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा वो बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है ना, तो इसे अपन ने माना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, और बोल रहा है कि एक सर्कुलर शीट को रखो इसमें, और उस सर्कुलर शीट का जो प्लेन है, अब जैसे ये मान लो कि ये अगर सर्कुलर शीट होती तो इसका प्लेन ये हुआ, ठीक है, इसका प्लेन ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 30° बना रहा है, तो मैं इसको ऐसा रखता, ये ऐसा रख दिया, ठीक है, समझिए इसको ऐसा प्लेस कर दिया, तो 30° कौन सा बना रहा है वो समझिए. तो हमने बोला कि ये इसका प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 30°, तो ये जो एंगल है ना ये वाला, ये दिस एंगल, प्लेन तो ऐसा ही जा रहा है इसका, तो प्लेन अगर ऐसा जा रहा है इसका, तो ये वाला एंगल 30° है, समझना, ठीक, तो ये प्लेन का हुआ, ठीक. तो फिर इसका एरिया वेक्टर कहां की ओर देखेगा, तो हमने बोला एरिया वेक्टर शुड बी लाइक दिस, ऐसा तो होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो चलिए ये एरिया वेक्टर होगा इसका, ठीक, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब प्लेन से एरिया वेक्टर 90° पर होता है, ये बात ध्यान में रखें. तो फिर ये जो E और DS के बीच का एंगल होगा वो यही तो होगा बच्चों, दिस वन, ठीक, ये कैसे होगा, 90 - 30 करोगे तभी तो आएगा, पता चल रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. आपको जो एंगल दिया हुआ है वो प्लेन के साथ में दिया हुआ है, एरिया वेक्टर के साथ में नहीं दिया हुआ. एरिया वेक्टर के साथ में कितने डिग्री का एंगल हुआ, तो हमने बोला थीटा इज व्हाट, 60°, और 60° कैसे निकाला आपने, 90 - 30 किया आपने, ठीक है, ओके, ऑलराइट. एक ही पूछेगा, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट, ठीक, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, phi is equals to क्या होगा, es cos theta या e dot s vector, e की वैल्यू दी हुई है, s spherical नहीं है, सर्कुलर ही तो थी, सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट का क्या होगा भाई, pi r square होगा क्या एरिया, so the area of that circular sheet will be pi r square, and the value of r should be written as 5×10⁻². meter, ये बात ध्यान में रखें, सेंटीमीटर में था, मैं value put कर देता हूँ, calculation आपका part है, 5×10⁵ तो e हो गया, s की जगह pi की जगह आप 3.14 रख लीजिएगा, r square, r की value देखिए, 5×10⁻², 5×10⁻², ठीक है, एंड cos थीटा दैट इज cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, मेरे को तो यही पता है, आपको पता नहीं कौन से बताओ, ठीक है, तो 1/2 रख लीजिएगा, सॉल्व करोगे यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, कुछ भी होगा वो लिख लीजिएगा, आंसर किस में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर क्या, वोल्ट मीटर में, ठीक है, पता चल गया किस तरीके से काम करोगे. चलिए आज के लिए इतना ही था, कल से एप्लीकेशन चालू करने वाला हूं, तो वीडियो पूरे तरीके से देखना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो. हैव अ गुड डे.